दुपहरिया के मंगलवार थाना पुलिस ने ग्राम हथवास स्थित एक किराए के मकान में छापा मारकर संदिग्ध अवस्था में महिला एवं पुरुष के साथ देह व्यापार कार्य करवाने वाली महिला व मकान मालिक पर मामला कायम किया। पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी शिवेंदु जोशी ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राम विलास कॉलोनी के एक खाली मकान में कुछ युवक युवतियां दलाल के माध्यम से लोगों से रुपए लेकर अनैतिक व्यापार कर रहे हैं। सूचना पर गोपनीय रूप से दो गवाहों के समक्ष 1,000 रुपए देकर पुलिस द्वारा उक्त खाली मकान में ग्राहक भेजा गया, जो कि 500 रुपए दलाल महिला द्वारा तथा 500 रुपए अनैतिक व्यापार करने वाली महिला द्वारा लिए गए। ग्राहक का इशारा पाकर थाना प्रभारी पिपरिया एवं टीम द्वारा महिला बल के साथ मौके पर जाकर छापा मारा तो मौके पर एक महिला तथा पुरुष मिले। पुलिस द्वारा भेजा गया ग्राहक भी मिला, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर दलाल महिला मौके से भाग गई। मौके पर अनैतिक व्यापार चलाने वाली महिला, एक पुरुष, एक महिला एवं मकान मालिक के विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। यहाँ पर अनैतिक व्यापार की सूचना होने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक महिला, एक पुरुष संदिग्ध अवस्था में एवं इस व्यापार को चलाने वाली महिला एवं मकान मालिक के खिलाफ कायमी की गई है। आगे की विवेचना जारी। क्या कायमी की गई है? कायमी 3 और 4 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत संपन्न किया गया। क्या यहाँ गौरतलब है कि पिपरिया की जलधारा कॉलोनी राम विलास कॉलोनी में अवैध रूप से अनैतिक व्यापार संचालित किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में मोहल्ले वासियों द्वारा सार्वजनिक रूप से ज्ञापन भी दिया गया था। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।